हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है 4:30 बजे से, क्योंकि कुछ चीज़ आई थी मेरे घर में न्यू। एक तरह से ये समझ लीजिए कि सरप्राइज मिला है मेरे को, और परसों मतलब सैटरडे में मिला था, गूगल एसेंस पिन आया था तब उसका सरप्राइज मिला था, और आज एक और चीज़ आई है जिसका मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि हाँ मुझे एकदम से ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो मिला है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियो बना लूं और आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या मिला है मुझे क्या नहीं। और रूम की भी हालत मतलब ऐसी ही हो रही है मेरी कि गंदा हो रहा है, सामान इधर से उधर हो रहा है, तो वो भी दिखाऊंगी आपको। और आज तो मतलब दोपहर का खाना भी अभी नहीं खाया, 4:30 बज गए हैं, ऐसे ही काम में लगे लगे खाना भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी ना बुआ जी का लड़का आया था और उसके साथ तीन उसके फ्रेंड भी आए थे, मतलब 4 जने आए थे एकदम से। उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है, क्योंकि कई दिन से मैं उनको बोल रही थी अपने बुआ जी के लड़के से कि मुझे ना वो चाहिए ड्रेसिंग मिरर वाली, तो वो बोल रहा था हाँ मैं लाऊंगा लाऊंगा। ये समझ लीजिए कि 1.5 साल मुझे शायद हो गया होगा। और एक अलमारी बोली थी मैंने बच्चों की कपड़ों के लिए, उसको तो कई साल हो गए जब से मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे अलमारी बना के दे दे, क्योंकि वो ना मतलब बेड वगैरह या ड्रेसिंग और सेफ वगैरह का काम करता है, वो ये सब बनाता है, तो उसको ना इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि शादी के टाइम पे सीजन चलते हैं, तो टाइम नहीं मिलता उसको कि हाँ भाई वो बना के दे सके, क्योंकि बिजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं कैसे है उसके क्या जिम्मेदारी, वो एकदम से उसका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ और ड्रेसिंग लेके आ रहा हूँ, मगर नहीं मैं भाई यकीन नहीं करती, क्योंकि कई बार ना ऐसा हो गया कि हर बार कहता है कि मैं लेके आ रहा हूँ लेकिन आता नहीं है। जब तू मेरे घर आ जाएगा तब मैं मानूंगी कि हाँ तू सच में मतलब लेके आया, तभी मैं यकीन करूंगी, मैं ऐसा यकीन नहीं करूंगी। तो कह रहा नहीं आज मैं सच में लेके आ रहा हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसी है, आप भी बताना। तो ये है वो अलमीरा भी है, ड्रेसिंग भी है, दोनों चीजें। ये देखो कितनी लंबी है, ये देखो यहाँ से लेके काफी बड़ी है ये और लंबी भी काफी है। ये देखो इसमें काफी कुछ आ जाएगा सामान, काफी सारा सामान आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आप अपने सूज वगैरह भी रख सकते हो और इधर मेरा ड्रेसिंग का सारा सामान आ जाएगा इसमें। ये देखो कितना लंबा मिरर लगा हुआ है इसमें, काफी बड़ी है। और इधर मेरा ड्रेसिंग खड़ा हुआ था, वो जो है ड्रेसिंग वहां पे कर दिया अभी फिलहाल, तो ड्रेसिंग हटा के ना वहां पे कर रख दिया है, अभी सारा सामान उसमें ही है, कुछ नहीं निकाला अभी। सामान निकाल के इसमें भी सेट करना है मुझे अपना, और पानी वानी की बोतलें जो रखी थी वो सब हटा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस इसने घेरा है, अंदाजा नहीं था कि ये इतनी बड़ी होगी, पर ये काफ़ी बड़ी अलमारी अलमीरा है मतलब। और रूम की हालत ही देखो कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि उन्होंने ना इसको सेट किया था, खोल के लाए थे उसको, और सारे में ना ऐसे ही हो रहा है गंदा पूरे रूम में। अभी गए हैं वो खाना वाना खा के, देखो इसमें ना काफ़ी स्पेस है अलमारी में, ऊपर भी है इसमें सामान रखने के लिए, बट माँ मेरा हाथ नहीं जाएगा अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो, ये नहीं खुलेगी, मेरी हाइट कम है। और ये है यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी मतलब कपड़े आ जाएंगे, और ये है, और ये मैंने खोला था अभी, ये एक लॉकर है छोटा सा, नीचे है ये है, और ये भी है यहाँ पे, और इधर ये ड्रेसिंग है, तो मतलब कुछ भी रख लो अपनी चूड़ी वगैरह जो भी, यहाँ भी है और एक यहाँ है, और तीन नीचे बने हुए हैं ये ड्रॉर, काफ़ी बढ़िया मतलब काफ़ी सामान इसमें मतलब मेरा आ जाएगा अगर इधर ये अपना रख लेंगे, इस साइड मेरा आ जाएगा, चूड़ी वगैरह जो भी मुझे रखना है वो छोटी पड़ जाती थी, देखिए इसमें मेरी सब कुछ चूड़ी वगैरह जो है ना वो अच्छे से आ जाएगी। काफी मतलब इसमें स्पेस है, जो मेरा सामान खत्म हो रहा था मतलब वो मैंने मंगाया बेसन, और ये दलिया है, ये गट्टू के लिए आया है दलिया, क्योंकि गर्मी आ गई है तो उसको ठंडी ठंडी चीजें ही खिलानी है, और ये एक जलजीरे का पैकेट मंगाया है, अच्छा लगता है कभी कभी मतलब बना के पियो तो। और सॉस, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सॉस खत्म हो गई है, तो 2 पैकेट टॉप्स के टमाटो केचप मंगाए हैं, और मेरी रेड चिली सॉस भी ख़त्म हो गई थी,
तो एक बोतल रेड चिली सॉस की मंगाई है। और जी इन्होंने अपने लिए मंगाई है ये नमकीन, इनको ही पसंद है खट्टा मीठा। और इधर है साबुन नहाने की और कपड़े धोने की, तो डब से ही नहाते हैं हम चारों। और ये कपड़े धोने की है कुछ, नहाने की तो चार ही साबुन मंगाई है। तो इन सामान को मैं रख देती हूँ। और हाँ, एक अचार का डब्बा मंगाया था मैंगो का, तो वो रसोई में रखा है सुबह ने, उसको मैंने खोल लिया। ये कल शाम आया था, संडे को ऑर्डर किया था और कल आ भी गया ये मंडे की शाम को। तो ये देखो खाने में ना मैंने दाल बनाई थी मिक्स, और सुबह कटहल बना था, रोटी बनाई थी, सैलेड कटी थी और रायता बनाया था, और कुकर में बनाए थे चावल। अरे देखो गैस की क्या हालत हो रही है, क्योंकि खाना बनाते ही मैं उनको खाना वाना दे दिया था, खा पी लिया उन्होंने देखो, और वो जा चुके हैं। तो अभी पहले खाऊंगी मैं खाना, उसके बाद ये सब साफ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे में गंदा हो चुका है ये देखो। और दाल इतनी है कि शाम को नहीं बनाऊंगी मैं कुछ भी, रोटी रोटी बनाऊंगी बस। तो खाना खा के मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब मैं सीधा मतलब शाम को ही मिल रही हूँ, और शाम को ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ रोटी बनानी है। जैसे कि मैंने दिखाया था कि मैंने मतलब दाल चावल वगैरह बनाए थे, तो दाल रखी है, थोड़ा सा कटहल भी रखा है सुबह का, कटहल इस वजह से बन गया था क्योंकि दोपहर में दाल चावल वगैरह बन गए थे। और अब सिर्फ रोटी बनाऊंगी, मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है, बच्चे भी बोल रहे हैं एक एक रोटी हम खाएंगे, एक ही मैं खाऊंगी और इनकी बनाऊंगी और पापा की बस। तो अब रोटी वगैरह ही बनानी है मुझे, दूध बॉईल कर दिया है, अभी दूध बॉईल करके आई हूँ। और टाइम देखो 8:10 हो रहे हैं घड़ी में, तो अभी ये आए नहीं हैं, कभी कभी आ जाते हैं 8 बजे तक, कल तो 7:45 आ गए थे और आज अभी तक नहीं आए। तो मैं इतना रोटी बनाऊंगी और आ जाएंगे। और फेस देख रहे हो मेरा, पूरे फेस पे दाने दाने। और आज ना इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, जैसे मई जून में लगती है ना सेम ऐसी ही गर्मी लग रही है, पंखा भी चला रहे हैं तो गर्म गर्म हवा लग रही है। और दिन में इतनी धूप थी ना, बहुत कैड़ी धूप थी, बहुत गर्मी हो गई है अभी से ही। तो खाना वाना बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं सोच रही हूँ छोटा सा ही व्लॉग था, जो कि बस मुझे ये दिखाना था कि हाँ मुझे इतना बड़ा जो है वो सरप्राइज़ दिया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब गट्टू को पता चल गया है कि उसके पापा आने वाले हैं, तो इसलिए ना वो शोर मचा रहा है। तो इसलिए मैं अपने इस व्लॉग का ही पेंट करती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे, बाय बाय।